नेपाल में भारी बारिश ने बढ़ाई चिंता। खोले गए वाल्मीकि नगर गंडक बराज के सभी 36 फाटक। नेपाल के तराई क्षेत्रों में भी बारिश के बाद गंडक नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि हुई है। जानकारी के अनुसार वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 4,04,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज गंडक नदी में हो रहा है। जलस्तर में वृद्धि के कारण वाल्मीकि नगर गंडक बराज के सभी 36 फाटक खोल दिए गए हैं। वहीं वाल्मीकि नगर गंडक बराज के साथ ही तटबंधों और बांधों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। नेपाल के पोखरा सहित तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने प्रशासन की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल गंडक बराज नियंत्रण कक्ष द्वारा गंडक नदी में अब तक का सर्वाधिक 4,04,000 क्यूसेक पानी मंगलवार की देर रात छोड़ा गया, जिससे गंडक अपने उफान पर है। जल वृद्धि को लेकर प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी है। जिलाधिकारी सहित SDM, BDO, CO और अभियंता लगातार तटबंधों की निगरानी में जुटे हैं। जिलाधिकारी ने गंडक नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए निर्देश जारी किया है कि वे गंडक किनारे से सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। साथ ही दियारा क्षेत्र में खेती किसानी के लिए निजी नावों से आने जाने वालों पर पाबंदी लगा दी गई। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए मंगलवार CM नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय बैठक की। भारी बारिश होने के कारण पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिले के जिलाधिकारियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। जल संसाधन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग तथा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण एवं गोपालगंज जिला पूरी तरह अलर्ट पर है। जल संसाधन विभाग अपने सभी अभियंताओं को खतरे वाली जगहों पर पूरी तरह अलर्ट रखें ताकि तटबंधों की पूर्ण सुरक्षा की जा सके। NDRF एवं SDRF की टीमों को भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड में रखा गया है। मुख्यमंत्री ने आपदा विभाग, जल संसाधन विभाग और संबंधित सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि तटबंधों के निकट रहने वाले लोगों के बीच माइकिंग के जरिए इसका विशेष रूप से प्रचार प्रसार कराया जाए ताकि निष्क्रमण की कार्रवाई त्वरित गति से हो सके। गंडक नदी के तटबंधों के इलाकों में रहने वाले लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जाए। उन्होंने जल संसाधन विभाग को अपने सभी अभियंताओं को मौके पर मौजूद और सचेत रहने तथा तटबंधों की सुरक्षा की निगरानी करने का निर्देश दिया है। बैठक में जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव हंस ने बताया कि नेपाल और गंडक नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण गंडक नदी के डिस्चार्ज और नदी के जलस्तर में काफ़ी वृद्धि होने का अनुमान है और इसे लेकर विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। CM ने संबंधित जिलों में पहले से प्रतिनियुक्त केंद्र और राज्य के NDRF, SDRF की टीमों को भी पूरी तरह सचेत रहने का निर्देश दिया है ताकि किसी भी स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके। इधर मौसम विभाग के अनुसार बुधवार 16 जून गंडक नदी के अधिकांश जलग्रहण क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा होने एवं बागमती अधवारा समूह के नदियों के अधिकांश जलग्रहण क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा होने और अन्य नदियों में के जलग्रहण क्षेत्रों में हल्की से साधारण वर्षा होने की संभावना है। बाढ़ जैसे हालात शुरू होने की जो है अब कहीं न कहीं परिस्थिति बनती हुई दिख रही है। बता दें कि बिहार और नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों से हो रही बारिश के कारण कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। कहीं नगर क्षेत्र की सड़कों से होकर पानी गुजर रहा है तो कहीं पर स्कूल में पानी भर गया है। वहीं कई अप्रोच पथ भी ध्वस्त होने के कगार पर है। मानसून की शुरुआत में ही बारिश के कहर से लोग भयभीत हैं। बता दें कि यह मानसून का पहला सप्ताह है। 2 दिन में ही नेपाल बराज ने पानी छोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती हवा और निम्न हवा के दबाव के क्षेत्र के साथ नमी की वजह से काफ़ी तेजी से मानसून आगे बढ़ रहा है। बिहार के साथ नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। गंडक नदी की जलस्तर में भारी वृद्धि हुई है, इससे तराई क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। सुरक्षित स्थानों पर जाने का अब जो है आदेश दे दिया गया है। यदि मौसम का मिजाज ऐसे ही बना रहा तो गंडक नदी के जलस्तर में और वृद्धि देखने को मिल रही है। ऐसे में निचले इलाकों में एक मरतबा फिर बाढ़ आने का अंदेशा है। नतीजन प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दे दिया है। मंझोलिया प्रखंड में बाढ़ हर साल तबाही लेकर आती है। प्रखंड के कई पंचायत बाढ़ की चपेट में आते हैं। सड़क पर 5 फीट से 10 फीट तक पानी भरा रहता है। कई ऐसे गाँव भी हैं जहाँ पर बाढ़ के समय नाव ही एकमात्र सहारा होता है। ऐसा ही मंझोलिया प्रखंड का रामपुरवा महनवा पंचायत का बढ़ई टोला है। बताया जाता है कि यहाँ हर साल नदी का कटाव होता है। ग्रामीणों का कहना है कि वे रात रात भर जागकर टॉर्च से नदी के तटबंध की निगरानी करते हैं ताकि अगर अचानक से तेज कटाव होने लगे तो परिवार संग घर छोड़कर भाग सकें। बाढ़ से हर साल किसानों को भारी नुकसान होता है। नदी में कई घर डूब जाते हैं। लोगों को अपना घर छोड़कर ऊंचे स्थानों पर आश्रय लेना पड़ता है। ऐसे में उनके सामने एक तो बाढ़ की तबाही होती है तो दूसरी तरफ भुखमरी की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है।